साथियों क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर हेलो स्टूडेंट्स हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ तो गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो शुभ हो तो स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास में लाइव आ सकें और स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास जो कि है प्रिंटर की ठीक है और इसके बाद मैंने सोचा है हाँ जी प्रिंटर की क्लास होगी आज उसके बाद आउटपुट डिवाइस प्रिंटर अगर हमारा कंप्लीट

आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर के बारे में अच्छा प्रिंटर क्या होता है प्रिंटर क्या होता है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है क्लियर हाँ जी प्रिंटर क्या होती है तो प्रिंटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि आपको हार्ड कॉपी देती है देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस में बनता है ना वो यही बनता है कि जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसके दो मेन आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं जब भी हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस में दो मुख्य भूमिका निभाने वाले आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर और प्रिंटर पहला होता है मॉनिटर ठीक है और दूसरा होता है प्रिंटर पहला होता है मॉनिटर और दूसरा होता है प्रिंटर तो ये क्या होते हैं ये दो है जो मेन मुख्य भूमिका निभाते हैं आउटपुट डिवाइस में और इसमें भी अगर पहला नंबर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा डिवाइस है आपका मॉनिटर सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर पर आता है प्रिंटर क्लियर मॉनिटर की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपको देता है सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर क्या देता है तो मॉनिटर मॉनिटर हमको देता है एक सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है ये हमें एक छवि दिखाता है एक हमें पूरा पिक्चर दिखाता है जिसको आप निकाल के बाहर मतलब तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते टच नहीं कर सकते उस पेज को जैसे कि अभी आप क्या देख रहे हो वीडियो देख रहे हो ये क्या है सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी थोड़ी ना है अब भाई इस स्क्रीन के अंदर से आप वहां से निकल के इधर थोड़ी ना आ जाओगे और ना ही मैं यहां से निकल के उधर की साइड आ सकती तो ये क्या है आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाता है ये मॉनिटर ये स्क्रीन उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ प्रिंटर की तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ये हमको देता है हार्ड कॉपी प्रिंटर हमको क्या देता है ये हमको देता है हार्ड कॉपी उसको तोड़ मड़ोड़ सकते हो उसको फाड़ सकते हो उसको संभाल के रख सकते हो तो ये सारा काम होता है हार्ड कॉपी के अंदर तो हार्ड कॉपी देने वाला कौन प्रिंटर होता है और सॉफ्ट कॉपी देने वाला कौन मॉनिटर होता है क्लियर जी ओके चलो यहां पे समझ में आया अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर हम पढ़ चुके कल वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम बात करते हैं प्रिंटर की तो प्रिंटर 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 का आविष्कार किसने किया था हु हु इन्वेंट इन्वेंट कोई बताएगा पे printer? Printer के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था तो प्रिंटर का आविष्कार किन्हों ने किया था यहां पे कोई है जो बताए ठीक है और कब हुआ था ये भी बताना हाँ जी जिस पर फोटो आती है वो कैसी कॉपी होती है जिस पर फोटो देखो वो आ, आपका क्या करता है अगर फोटो आप मॉनिटर पे देख रहे तो हो तो मॉनिटर आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी और अदरवाइज अगर प्रिंटर निकलवा रहे हो प्रिंट निकलवा रहे हो उस फोटो का तो वो हार्ड कॉपी होगी ठीक है ओके गुड आफ्टरनून जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून हाँ समरजीत सिंह जी एमसीक्यू करवाओ तो एमसीक्यू करवाऊंगी मैं रुको एक टॉपिक कंप्लीट होने दो आज जहां तक मुझे लग रहा है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊंगी उसके ऊपर चलिए तो यहाँ पे आंसर आ रहा है चार्ल्स बेबेज नहीं चार्ल्स बेबेज नहीं थे उनके टाइम पे हुआ था एक कंपनी ने करा था बट चार्ल्स बेबेज को नहीं बोला जाएगा इधर आंसर कर रहे हो आप जोहान्स जोहान्स गुटनबर्ग बिल्कुल सही आंसर है देखो अगर मैं प्रिंटर की बात करती हूँ तो बहुत पहले टाइम पर अगर मैं चली जाऊँ अगर मैं फिफ्टींथ सेंचुरी की बात करती हूँ अगर मैं पंद्रहवीं शताब्दी की बात करती हूँ तो पंद्रहवीं शताब्दी के टाइम पंद्रहवीं शताब्दी के टाइम प्रिंटर का आविष्कार किया गया था और प्रिंटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जोहान्स गुटनबर्ग बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे किन्होंने किया था तो जोहान्स गुटनबर्ग ने किया था लिख लेना क्या नाम था इनका तो इनका नाम था जोहान्स जोहान्स गुटन क्या है ठीक है बर्गर से याद रख सकते हो आप ठीक है ये बर्गर की एक हार्ड कॉपी चाहते थे भूख लग रही थी तो गुटनबर्ग बर्ग बर्गर वहां से आप इनका नाम याद रख सकते हो अब देखो ये नाम अगर मैं हिंदी में लिखती हूँ ये नाम हिंदी में भी सेम हो जाएगा हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसे तो हिंदी में भी हम बोलेंगे जोहान्स जोहान्स गुटनबर्ग क्या हो जाएगा जोहान्स गुटनबर्ग ठीक है ये तो बात हो गई पंद्रहवीं शताब्दी की अब आप देखो कई बार तो क्वेश्चन में आपको देगा आंसर जो देगा ऑप्शन में जोहान्स नाम लिख कर देगा पर कई बार ये नाम नहीं मिलता वो कंपनी का नाम लिख कर देता है तो मैं आपको बता दूं शुरुआत तो शताब्दी से होनी शुरू हो गई थी सेंचुरी से प्रिंटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था इनके आविष्कारक थे गुटनबर्ग। अब जैसे जैसे टाइम आगे आगे चलता रहता है प्रिंटर का आकार भी छोटा होता गया प्रिंटर अब कैसा हो गया प्रिंटर अब बहुत अच्छी चीजों से मतलब डॉट से मिलाकर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर छोटी छोटी इंकों से चीजों को मिलाकर प्रिंट करने का काम शुरू हो गया तो ये काम शुरू करने वाली पहली कंपनी थी एप्सन कौन सी कंपनी थी तो ये काम शुरू करने वाली इसको मैं हटा रही हूं अगर लिख रहे हो आप लोग तो नोट जरूर कर लेना स्क्रीनशॉट से हाँ जी स्क्रीन शॉट से आप बिल्कुल भी मत करो अपनी रोम को अपनी मेमोरी को मत फिल करो आप इसको नोट कर लिया करो ज्यादा होता नहीं है मैटर थोड़ा होता है अपनी लैंग्वेज में से नोट करना सीखिए चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो पंद्रवा शताब्दी में पंद्रहवीं शताब्दी के अंदर जोहान्स गुटनबर्ग ने आपके प्रिंटर का आविष्कार कर दिया था लेकिन आगे चलकर कौन सी कंपनी तो एप्सन कंपनी थी कौन सी कंपनी थी तो एप्सन कंपनी थी इसने पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया था ठीक है यहाँ पे लिख लेना यहाँ पे लिखे ना 1968 में पहली कंपनी थी क्या नाम था इसका एप्सन कंपनी थी इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था ई पी वन और ये दुनिया का पहला विद्युत से चलने वाला प्रिंटर था पहला प्रिंटर था जो कि विद्युत से चलने वाला था जो कि इलेक्ट्रिक प्रिंटर था कौन सा तो ये पहला आपका इलेक्ट्रिक प्रिंटर था जो कि एप्सन कंपनी ने बनाया ये कंपनी कहाँ की है तो एप्सन कंपनी आपकी जापान की है क्लियर तो ये कंपनी की मुझे बताओ कि जापान से लेटेस्ट है? हाँ जी, मैं भी तो देखो कितनी चीजें आपको याद रहती है ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप जी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ कोई दिक्कत वाली नहीं ये है इसको हिंदी में भी एप्सन ही बोला जाएगा एप्सन ठीक है चलो अब बताना है आपको कि जापान से रिलेटेड और कौन सी लेटेस्ट है जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तो जापान ने अभी हाल ही में 22 और 23 जून के आसपास लॉन्च किया है अपना पहला सुपर पहला तो नहीं बोलेंगे अपना लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर और वो पूरे विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बन चुका है ठीक है तो जापान से याद रखना यहां पर पॉइंट करके लिख लो इसी ने विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है बाईस तेईस जून के आसपास है ना और इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है फू गाकू क्या नाम है इसका फू गाकू आप लोगों ने कैसे याद किया है जापान के जी है ना तो जापान की फूफा जी से याद रख लो या फिर फुग्गा गुब्बारे से याद रख लो आपको याद हो जाएगा जापान का ही सुपर कंप्यूटर है जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बन चुका है ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं अब चलेंगे यहां पर पुरानी वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी तो पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी आप देखोगे ना सर्च करोगे हाँ वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जापान का फुगाकू ठीक है आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी जो यूपीपीसी के स्टूडेंट है आपकी तो सारी क्लासेस इसी के अंदर हुई है प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे आपको मिल जाएंगी चलो तो अब चलते हैं हम प्रिंटर की दुनिया में तो प्रिंटर के बारे में हम बेसिकली चीजें समझ चुके हैं कल हमने यहां पर अपना टॉपिक कंप्लीट किया था आज हम यहीं से इसको शुरू करेंगे प्रिंटर होते हैं दो तरीके के पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक है यहाँ पे कुछ टाइप लिखे हुए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो डेजी व्हील हो गया डॉट मैट्रिक्स हो गया लाइन प्रिंटर हो गया कैरेक्टर प्रिंटर हो गया वहीं अगर मैं बात करती हूँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो लेजर प्रिंटर हो गया इंकजेट प्रिंटर हो गया थर्मल प्रिंटर हो गया तो ये कुछ प्रकार है प्रिंटर के जो पूछे जाते हैं और उसको ही हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल भाई गुड गुड आफ्टरनून जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अगर आप पूछ रहे हो कि संडे की क्लास कहाँ पे मिलेगी तो संडे की क्लास आपको संडे वाले टाइम पे ही मिलेगी 12 बजे क्लास हुई थी और उसकी मैंने अपलोड करवाई थी 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी वो आपको एग्ज़ामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिलेगी फॉर ऑल एग्जाम वाले सेक्शन में चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि स्याही जिसमें इंक की जरूरत पड़ती है और ये इंक एक रिबन पे जाकर चिपक जाती है ये इंक क्या होती है तो एक रिबन पे जाकर चिपक जाती है और फिर जो भी चीजें आप लिख रहे हो वो रिबन के तरीके से ही आपको वहां पर प्रिंट होती हुई दिखेगी ठीक है और इसमें क्या होता है तो देखो दो काम होते हैं यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो एक रिबन बना होता है जिसके अंदर इंक होती है रिबन में इंक होती है और जो शब्द आप टाइप करते हो वो शब्द उठकर आता है और इस पर चिपक जाता है और वही अक्षर उभरता हुआ आपको आपके पेज पर दिख जाता है ये होता है इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर करते हैं बहुत आवाज तो ज्यादा आवाज करने वाले आप लिख सकते हो नॉइजी नॉइजी का मतलब होता है शोर करने वाले है ना तो ज्यादा आवाज करने वाले प्रिंटर कौन से होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि खटर खटर टकर टकर ऐसी आवाजें करते हैं ओके भाई बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से शेयर कर देना ओल्ड वीडियो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे चलिए तो यहां पे समझ में आ गया है चीजें आपको तो ये होते हैं आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर अब इम्पैक्ट प्रिंटर में हम जानेंगे कौन कौन से प्रिंटर होते हैं क्योंकि बेसिकली इसके लिए बस इतना ही जानना काफी था इसके बाद अगर आप देखोगे पहले इस्तेमाल होता था अब भी इस्तेमाल होता है वैसे कहां होता है इसके बारे में देखेंगे अब यहां पर पहला टाइप आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहला टाइप आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रिंटर के अंदर से क्यों ये टॉपिक जरूरी है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का तो ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है तो ये भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है कैसा प्रिंटर है तो ये भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है क्लियर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है क्या ये एक बार में एक लाइन को छापता है लाइन प्रिंटर है क्या ये एक बार में सिर्फ एक अक्षर को छापता है कैरेक्टर प्रिंटर है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डॉट मैट्रिक्स देखो डॉट का मतलब क्या होता है बिंदु क्या करेगा तो ये छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर जो भी चीज आप प्रिंट कर रहे हो उसको प्रिंट करने का काम करता है डॉट को छोटे छोटे डॉट को मिलाकर प्रिंट करता है क्लियर तो यहाँ पे आप देखोगे तो डॉट मैट्रिक्स आपका कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स आपका कैसा प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स आपका कैरेक्टर प्रिंटर है कैसा है? तो ये एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है मतलब एक बार में एक अक्षर को छापता है एक बार में एक अक्षर को छापने वाला प्रिंटर होता है कौन सा डॉट मैट्रिक्स दो क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हो गए ठीक है हाँ जी कैसा है यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो डॉट मैट्रिक्स है छोटे छोटे बिंदुओं को छापकर छोटे छोटे बिंदुओं की स्याही फेंकेगा और जैसे ही स्याही जाएगी छोटे छोटे बिंदु बन जाएंगे और वहाँ पर ये प्रिंट करना शुरू कर देता है ठीक है याद रखना एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को छापेगा एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर को छापता है बिल्कुल ठीक चलिए आगे चलते हैं आ, आगे हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप आता है कौन सा प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स में ये भी याद रखना डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं ना आपके ये लेटर प्रिंटर की तरह से भी इसको बोला जाता है ये आपके एक लेटर प्रिंटर भी होते हैं लेटर लिखने के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर होते हैं अब देखो अगर मैं बात करती हूँ लेटर मैंने यहाँ पे शब्द क्यों लिखा है तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया डेजी व्हील हो गया तो ज्यादातर ये जो इम्पैक्ट कंप्यूटर सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना ये इस्तेमाल होते हैं आपके वकील जो वकील होते हैं ना आपने देखा होगा अ, कोर्ट होता है ठीक है कोर्ट के बाहर भाई जो न्यायालय है कोर्ट है कोर्ट के बाहर बहुत सारे वकील बैठे होते हैं ठीक है तो जो वकील बैठे होते हैं वो सब क्या होते हैं उनके पास एक प्रिंटर होता है पट 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 है ना तो वो जो प्रिंटर लेके बैठे होते हैं वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है और ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होता होता है है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्यों हम जब बात करते हैं भाई एक कार्यालय की हम जब बात करते हैं एक एक कोर्ट की न्यायालय की तो वहां पर मुकदमा बहुत टाइम तक चलता है जाहिर सी बात है भाई ये तो नहीं कि आज ही केस हमने दर्ज किया और आज ही डेट हुई आज ही सुनवाई हुई काम खत्म बहुत टाइम लग जाता है तो जो आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो उसके उसके लिए आपके पास रिटर्न चलेगा तो बहुत टाइम तक दस हजार रुपए लेने थे और एक जीरो मिट गया एक हजार में निपटा रहे तो वही चीज होती है आपकी जो इंक है वो चिपकी रहे उस कागज तक जब तक आपका केस बंद नहीं हो जाता तो वहां पर आपका इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से चीजों को लिखा जाता है जो कार्यालय ठीक है देखो जो आपके प्रिंटर होते हैं ये आवाज करते हैं हाँ, कचहरी में बिल्कुल सही कचहरी में आपके यही प्रिंटर होते हैं ठीक है या फिर जो आपके वो होते हैं मतलब डीएम को ऑर्डर आता है कि छुट्टी कर दो विंटर वेकेशन कर दो तो ये जो जो ऑर्डर वगैरह भेजते हैं बाहर से या ऊपर वाले जो पद के लोग होते हैं वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक लिखावट में एक लिखी हुई इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है ठीक है चलो आगे चलते हैं यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद आता है आपका कौन सा प्रिंटर तो यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर नेक्स्ट

गुल बहर का एक फूल होता है ठीक है तो ऐसे ही इसके अंदर पहिए लगे होते हैं मतलब एक डीजी व्हील है ऐसे करके ये चक्रा सा बना होता है और यहां पर आपके सारे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं भाई ए बी सी डी बड़ी ए बी सी डी उसके बाद आपके क ख ग घ उसके बाद आपके छोटी ए बी सी डी वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे एक व्हील होती है एक पहिया होता है यहाँ पहिया दिखाई दे रहा है ना ऐसे ही पहिया होता है और ये पहिया जब भी आप काम करते हो ये डेजी व्हील घूमती है मतलब ये जो आपका पहिया है ये घूमता है और वो अक्षर प्रिंट हो जाता है ठीक है तो डेजी बिल का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक पहिया के आकार का होता है एक फूल के आकार का होता है और ऐसे दिखने वाला ही एक फूल होता है गुल बहर उसका नाम डेजी व्हील रखा गया ठीक है अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्वेश्चन बनता है तो पहला क्वेश्चन तो यही है भाई डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है तो डेजी व्हील भी आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है डेजी व्हील भी इंपैक्ट प्रिंटर है दूसरा क्वेश्चन कि डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है एक बार में एक लाइन को छापता है एक बार में एक कैरेक्टर को छापता है तो यहां पे याद रखना डेजी भी एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर को छापता है तो ये एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है कैसा प्रिंटर है तो ये एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर होता है तो ये भी और डॉट मैट्रिक्स भी ये दोनों के दोनों कैसे प्रिंटर हो जाएंगे ये दोनों के दोनों कैरेक्टर प्रिंटर हैं मतलब एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर को छापते हैं एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर को छापने का काम इनका होता है याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है एक बार में एक अक्षर को छापने वाला तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये दो हम पढ़ चुके आगे चलेंगे

ये कैसे चैन चैन बना रखी है और इसी चेन के यहाँ पे जो रिबन लगा है जो यहाँ पे रिबन लगा हुआ है इस पे अक्षर गुदे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे अक्षर इसके अंदर गुदे हुए होते हैं या हार्ड कॉपी आप कह लो एक उभरे हुए अक्षर होते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो चैन आपका प्रिंटर होता है अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहला तो यही चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर है तो ये भी आपका कौन सा प्रिंटर होता है तो चैन प्रिंटर भी इंक जेट सॉरी

पेपर बैक ऑफ पेपर भाई वो पेपर होगा जहां पे भी चीजें लिख रहे हो प्रिंट हैमर होता है इसके अंदर एक हथौड़ा होता है अब हथौड़ा इसके लिए नहीं होगा कि इसकी तोड़फोड़ कर दे ठीक है इसके अंदर जो हथौड़ा होता है हथौड़ा हताओ, हथौड़ा कोई क्या बोलते हैं इंग्लिश में हैमर बोलते हैं तो इसके अंदर जो हथौड़ा होता है हैमर होता है वही जब आप कुछ चीज लिख रहे हो ना तो वो हथौड़ा ही पड़ता है इस चैन पे और वहीं पर इंक लगती है और वही चीज़ आपकी छपकर आपके पेपर पे लिखी हुई आ जाती है क्लियर ओके मनोहर जी सौ क्वेश्चंस की क्लास तो मैं लेकर आई थी वही तो मैंने करवाया था आपको संडे में ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये चैन प्रिंटर है अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है हाँ जी चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है क्या ये एक लाइन प्रिंटर है क्या ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है एक बार आंसर करना सब लोग चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है हाँ बिल्कुल यहाँ पे देखो ये सारे कैरेक्टर जो दिख रहे हैं ना ये कैरेक्टर आपके चैन प्रिंटर पे ही बने होते हैं बताइए भी चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है ये एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर है या फिर ये आपका एक लाइन प्रिंटर होता है तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है ओके लाइन प्रिंटर प्रिंटर होता है बिल्कुल देखो चैन की मदद से आप पूरी लाइन लिख सकते हो चैन प्रिंटर की मदद से आप पूरी लाइन लिख सकते हो तो यहां पर लिख लेना चैन प्रिंटर आपका एक लाइन प्रिंटर होता है कौन सा प्रिंटर है तो ये एक लाइन प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर का मतलब होता है एक बार में पूरी लाइन को लिख देना अभी तक हम सिर्फ एक एक कैरेक्टर को लिख रहे थे A, B, C, D, लेकिन अब हम पूरी लाइन को लिख सकते हैं एक बार में तो एक बार में पूरी लाइन को लिखने की क्षमता थी इसके अंदर यह था चैन प्रिंटर चैन प्रिंटर कैसा प्रिंटर है तो चैन प्रिंटर आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है बस ज्यादा इसमें और नहीं पूछता ठीक है चैन प्रिंटर क्या होता है तो ये इम्पेक्ट प्रिंटर है और दूसरा ये एक लाइन को पूरी प्रिंट कर देता है ठीक है बाकी इसमें हैमर होता है जिसकी मदद से इंक को चिपकाया जाता है पेपर पे आगे चलते हैं आगे यहाँ पर प्रिंटर आता है आपका नेक्स्ट तो नेक्स्ट प्रिंटर है यहाँ पे ड्रम प्रिंटर क्लियर ड्रम प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्रिंटर ऐसा होता है इसके अंदर एक ड्रम लगा होता है ड्रम कैसे आकार का होता है तो सिलेंडर आकार का होता है मैथ्स में करते हैं ना आगे वीडियो साउंड प्रॉब्लम है अब तो साउंड आ रही है चेक करना साउंड चलो आवाज आवाज अब आ रही होगी थोड़ी सी आप गायब हो गई नहीं मैं गायब नहीं हुई स्क्रीन चली गई थी हाँ चलो कोई बात नहीं चलो अंधेरा कायम नहीं रहा अब आपका उजाला हो चुका है पढ़ते हैं आगे की साइड देखो आगे हम देखते हैं तो ये ड्रम प्रिंटर क्या होता है तो जाहिर सी बात है ये ड्रम है तो ये रोटेट होगा घूमेगा और जहाँ पे जो अक्षर होते हैं वो अक्षर आपके प्रिंट होकर आपको मिल जाते हैं क्लियर तो ये क्या होता है ड्रम प्रिंटर होता है हाँ इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये भी क्या करता है ये भी एक चक्कर में अपने एक चक्कर में एक लाइन को प्रिंट कर देता है तो याद रखना ड्रम प्रिंटर भी कैसा प्रिंटर है तो ये भी एक लाइन प्रिंटर होता है ड्रम प्रिंटर भी कैसा प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर भी कैसा प्रिंटर है तो ड्रम प्रिंटर भी आपका एक लाइन प्रिंटर होता है एक बार में एक लाइन को क्या कर देगा ये प्रिंट कर देता है तो एक लाइन में एक एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने वाला लाइन प्रिंटर दूसरा ये भी एक तरीके का इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये भी कैसा प्रिंटर है तो ये भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है पहले वाला पार्ट का ठीक है तो इंपैक्ट प्रिंटर है लाइन प्रिंट करता है बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है तो लाइन प्रिंट करने वाले दो प्रिंटर पड़े हैं हमने इंपैक्ट के अंदर पहला प्रिंटर है हमारा Uh, कौन सा प्रिंटर था तो पहला था हमारा डेजी व्हील प्रिंटर सॉरी डेजी व्हील नहीं था पहला प्रिंटर तो हमारा यही हो जाएगा ड्रम प्रिंटर और दूसरा था चैन प्रिंटर तो चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये दोनों एक लाइन को प्रिंट कर देंगे एक बार में बाकी डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये सिर्फ एक कैरेक्टर को ही एक बार में प्रिंट करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर का टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है खत्म आगे चलते हैं आगे आप देखोगे अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्लियर यहां पे अगर हम बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तो ये वो प्रिंटर हैं जो कि शोर कम मचाते हैं पहला तो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा भाई ये वो तो यहां पे हम बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है ये उच्च क्वालिटी के लिए हाई क्वालिटी के लिए बनाए गए प्रिंटर है मतलब यहाँ पे लिख लेना ये कौन से प्रिंटर होते हैं तो ये होते हैं इसकी गुणवत्ता है ना इसकी गुणवत्ता क्या होती है उच्च गुणवत्ता होती है इसकी उच्च गुणवत्ता होती है एज कंपेयर टू आपके कौन से प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे और इम्पैक्ट प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं मोस्टली वहां पर सिर्फ आपको काला या सफेद ही दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल दुनिया में आना है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की दुनिया में आना पड़ेगा चलिए तो यहाँ पे देखो उच्च गुणवत्ता लिख लेना या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई क्वालिटी तो हाई क्वालिटी के लिए बनाए गए कंप्यूटर और लेजर लाइट को इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर प्रिंटर लेजर लाइट से प्रिंट करने वाले प्रिंटर आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ही पार्ट आता है ठीक है, हो है? बफरिंग हो रही है बफरिंग हो रही है अच्छा वापस से हो जाएगी भाई एक मिनट रुकना हाँ जी सर चलो तो यहां पे देखो हम बात करते हैं ओके भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सली देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये हाई क्वालिटी की होती है और लेजर बीम के जरिए इसके अंदर प्रिंट किया जाता है रंगीन चीजों को यहां पर हम देखेंगे तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रिंटर आता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर समझ में आ गया क्या होते हैं पहला प्रिंटर आता है इसमें इंक जेट प्रिंटर फर्स्ट प्रिंटर पहला प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर इंक जेट प्रिंटर तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होता है इसके अंदर क्या होती है तो इसके अंदर कार्टेज होती है देखो कार्टेज एक शब्द होता है ये है कार्टेज क्या लिखा हुआ है तो ये होती है हमारी कार्टेज कार्टेज का मतलब होता है एक बॉटल बॉटल का मतलब होता है एक शीशी शीशी का मतलब होता है एक शीशी ठीक है देखो इसमें क्या होती है एक शीशी होती है एक बॉटल होती है जिसमें कलर भरे जाते हैं कलर को भरके रखते हैं और कलर प्रिंट निकालने के लिए इंक जेट प्रिंटर सबसे सस्ता और अच्छा माना जाता है ठीक है ओके चलो यहाँ पे दिख रहा है ना भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी इंक पूछी जाती है बिल्कुल सही यहाँ पे इंक जेट प्रिंटर की इंक ही पूछी जाती है इसका जो आउटपुट होता है देखो जो इसका आउटपुट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और इंक जेट प्रिंटर में जो आपका प्रिंट होती है वो भी डॉट के माध्यम से होती है तो यहां पे देख लेना इंकजेट प्रिंटर में भी जो प्रिंट होती हैं चीजें वो भी डॉट के माध्यम से ही होती हैं मतलब डॉट के माध्यम से प्रिंट करने वाला कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो वो आपका इंकजेट प्रिंटर ही होता है डॉट डॉट बनाकर ही ये प्रिंट करेगा लेकिन कलरफुल भी करता है ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट भी करता है और कलरफुल भी करता है दोनों ही करता है ठीक है बस

ग्रीन ब्लू लेकिन प्रिंटर के अंदर ग्रीन का नामो निशान नहीं होता प्रिंटर के अंदर सिर्फ चार कलर होते हैं पहला तो ब्लैक हटा दो भाई ब्लैक एंड किसी को निकलवानी है 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 फोटो कलर तो कलर कलर के लिए बताऊं तो मेन तीन होते हैं पहला होता है कलर, दूसरा होता ब्लू दूसरा या रेड भी दे सकता है और तीसरा होता है येल्लो कलर इन चारों कलर को ही मिलाकर आपका इंक जेट प्रिंटर के कार्टेज में इनको भरा जाता है यहां पर आपको प्रिंटर दिख रहा है ये कौन सा प्रिंटर है तो ये हमारा इंक जेट प्रिंटर है क्लियर बस इतनी चीज याद रखनी है डॉट के माध्यम से

ठीक है पीला मतलब येलो और लास्ट ब्लैक तो होगा ही होगा काला कलर तो होगा ही क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट हमें निकालना पड़ता है चलिए आगे चले यहां पे ओके चलो आगे देखते हैं आगे इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो नेक्स्ट आता है आपका लेजर प्रिंटर नेक्स्ट प्रिंटर आता है आपका लेजर प्रिंटर अच्छा लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है हाँ जी याद रखना रेड ग्रीन ब्लू नहीं होगा रेड ग्रीन ब्लू होता है आपका स्क्रीन के लिए अगर मैं बात करती हूँ स्क्रीन के लिए तो स्क्रीन के लिए मतलब मॉनिटर की स्क्रीन के लिए रेड ग्रीन ब्लू होता है लेकिन अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर पे आपका

लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है तो इसके अंदर से क्या निकलती है वेव्स निकलती हैं किरणें निकलती हैं इलेक्ट्रिक पावर जाती है और ये इलेक्ट्रिक पावर एक एक करके हर कलर के पास घूमेगी देखो यहां पे बताती हूं मैं पहले आप लेजर की फुल फॉर्म बताओ मुझे हाँ जी टोटल कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं तो टोटल दो ही टाइप के प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंट और इंपैक्ट प्रिंटर और, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इसके अंदर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं ठीक है ओके न्यूज पेपर में भी चार कलर होते हैं बिल्कुल आप लोग देखते होंगे ना न्यूज़पेपर के साइड में बना आता है ना बॉक्स वो चार कलर का बॉक्स बना आता है अभी वो प्रिंटर भी आएगा इसमें कि न्यूज़पेपर कौन से प्रिंटर से प्रिंट होता है ठीक है एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे अब ओके नहीं बफरिंग की यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तो क्लास अब बिल्कुल सही चल रही है एक बार आप रिफ्रेश कर लिए पेज हां जी भाई पेज को रिफ्रेश कर लेना बफरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं लेजर की तो लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है भाई एप्लीकेशन पे क्लास हो चुकी है एप्लीकेशन पे दस बजे क्लास होती है मॉर्निंग में लेजर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बायुलेटिड क्या है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लिख लेना ये होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बायुलेटिड एम्प्ली एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीम्यूलेटेड स्टीम्यूलेटेड और इसके बाद आप लोग लिख लेना स्टीम्यूलेटेड फिर आ जाएगा आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन फिर आ जाता है एमिशन ऑफ रेडिएशन ये फॉर्म होती है किसकी लेजर की लेजर की फॉर्म पता होनी जरूरी है क्योंकि लेजर से क्वेश्चन आ जाता है भाई लेजर के अंदर एस की फॉर्म क्या है तो पूरी पता होनी चाहिए पूछ सकता है ए की फॉर्म क्या है ई e की फॉर्म क्या है या आर की फॉर्म क्या है आपने देखा है कि आजकल सिटी स्कैन होते हैं भाई अगर कोई बीमारी है इंसान को तो पूरा उसका क्या होता है एम आई होता है पूरा सिटी स्कैन होता है सिर का अगर सर में कहीं चोट है या दर्द वर्द हो रहा है तो ये सब क्या होता है कैसे हो रही है स्कैनिंग ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब बिना किसी इंसान के अब लेजर लाइट से तो ऑपरेशन भी हो रहा है पहले क्या होता था पहले अगर पता चलता है कि कोई बीमारी है तो वहां पर क्या करते थे उसका चीर फाड़ करते थे फिर टाका वाका लगाते थे अब वो चीज नहीं अब क्या होती है भाई नॉर्मली आपका हल्का सा कट लगाते हैं और एक छोटा सा पाइप जो होता है आपका वो अंदर जिधर भी आपके प्रॉब्लम है वहां पर इंसर्ट कर देते हैं और लेजर लाइट से उस चीज को हल कर दिया जाता है बहुत सारी चीजें हैं जैसे गांठे पड़ जाती हैं तो उन सब चीजों को अब आप लेजर लाइट से बिल्कुल ठीक कर देते हो तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट

चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ओके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे लेजर के बारे में समझ में आ गया अब देखो ये काम कैसे करती है अगर मैं लेजर प्रिंटर की बात करती हूं तो लेजर प्रिंटर काम कैसा करता है तो यहां से लेजर रोशनी पड़ी भाई जाहिर सी बात है ये कैसा है तो ये इलेक्ट्रिक प्रिंटर है इलेक्ट्रिक का मतलब ये प्रिंटर विद्युत से चलने वाला प्रिंटर है जैसे ही रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी तीनों कलर से होके गुजरती है ये कार्टेज होती है यहाँ पे लेजर प्रिंटर में ना अलग अलग कार्टेज होती है यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से अगर आप देखोगे उस प्रिंटर को ओपन करके तो यहाँ पे ऐसे कार्टरेज लगी होती है मतलब एक ड्रम टाइप का छोटा छोटा वहां पे एक ड्रम लगा होता है सिलेंडर फॉर्म में तो रोशनी जाती है सबसे पहले इस कलर के पास ठीक है कोई भी हो सकता है ब्लू मजेंडा येल्लो या ब्लैक तो यहाँ पर जाएगी फिर ये रोशनी पास होती है इस वाले कलर पे फिर रोशनी पास होगी इस वाले कलर पे फिर रोशनी पास होगी इस वाले कलर पे और फिर मिलाकर ये क्या करता है पूरे कलर को आपके उस पर पेपर पे दिखा देगा लेजर प्रिंटर इस्तेमाल किसके किया जाता है तो लेजर प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कोई भी चीज बहुत ही स्मूथली, बहुत बहुत ही ही सॉफ्टली, ज़्यादा कलर के साथ देखनी है थ्री प्रिंटिंग के साथ देखनी है तो वहां पर आप लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो ठीक है ओके अच्छा हम मुस्कान जी डर लगता है नहीं बट देखो अच्छी टेक्निक है ना अच्छी टेक्निक है एक बार एमआरआई हो जाता है पूरी बॉडी में भाई कहां पे प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चल जाता है है ना वरना पहले कहाँ होता था वो टाइम तो चला गया भाई जब वैद आपकी जो नाड़ी होती थी यहाँ पे जो आपकी नसें होती थी इसको पकड़ के पता लगा लेते थे अब तो आप जाते हो डॉक्टर पहले यही पूछता है कि क्या बात है क्या प्रॉब्लम है अरे भाई आप डॉक्टर आप बताओ क्या प्रॉब्लम है बट वो टाइम चला गया इसलिए मशीन आई हैं तो मशीन ही क्या करती हैं सारी चीजों को दिखाती हैं ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं आप ही हाँ, कमेंट सबके आ रहे हैं दिक्कत वाली बात नहीं है कमेंट सबके आते हैं स्क्रीनशॉट लेना है ओके स्क्रीनशॉट ले लेना मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगी लिखने के बाद ठीक है चलो तो आया समझ में ये क्या होता है लेजर प्रिंटर ऐसे ही काम करता है इसमें एक और चीज याद रखना जो लेजर प्रिंटर है जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा जो लेजर प्रिंटर होता है इसके अंदर खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको मैं रफ कर देती हूँ जो लिखा था देखो जो लेजर प्रिंटर होता है ना लेजर प्रिंटर में खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है लेजर प्रिंटर में बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे पता करनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए लेजर प्रिंटर में खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या होता है खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है अब ये काम कैसे करता है देखो अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करती हूँ मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो वो बिजली का करंट अपने अंदर लेगा और उसको हर जगह विस्तारित रूप से फैला देगा चाहे वो रोम हो चाहे वो रैम हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे वो प्रिंटर हो कोई भी चीज उससे जुड़ी हुई है सब में इलेक्ट्रिसिटी को फैला देता है ठीक है तो इसके अंदर खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है इसलिए इसके अंदर रैम भी होती है और रोम भी होती है इसके अंदर दोनों मेमोरी होती है इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो लेजर प्रिंटर के पास अपना खुद का दिमाग होता है लेजर प्रिंटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है इसके अंदर रैम भी होती है और इसके अंदर रोम भी होती है तभी तो आपने देखा होगा जब आप जाते हो कि भाई इसे प्रिंट करवा दो तो वो वहां पे लिख देता है कि एक कॉपी प्रिंट करनी है एक से लेकर पचास तक के पेज प्रिंट करने हैं छोड़ दिया अब वो कहाँ पे स्टोर हुई वो प्रिंटर में तो स्टोर हुई उसकी मेमोरी तो जब ये सारी डायरेक्शन को मानता है हर एक काम को सुनता है आदेशों का पालन करता है तो वो आदेश कहीं जाकर जरूर स्टोर होते होंगे और संग्रहित होते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर खुद की मेमोरी है तो रैम और रोम ये दोनों के दोनों इस लेजर वाले प्रिंटर के अंदर पाए जाते हैं जबकि इंक जेट में ऐसा नहीं होता ठीक है इंक जेट में ऐसा नहीं होता लेजर प्रिंटर के अंदर ही रैम और रोम इसके माइक्रो प्रोसेसर आपके पाए जाते हैं और जो इसकी इंक होती है ना वो ड्राई होती है वो सूखी होती है इसकी जो इंक होती है लेजर इंक जो होती है ना वो सूखी इंक होती है याद रखना लेजर में कौन सी इंक होती है तो लेजर के अंदर सूखी इंक का इस्तेमाल होता है ड्राई इंक का इस्तेमाल होता है तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती वो सॉलिड तो नहीं कह सकते उसे भुरभुरा सा होता है ना वो पाउडर के फॉर्म में होती है ये सही रहेगा ये कौन से फॉर्म में होती है तो इसकी लिक्विड एक पाउडर के फॉर्म में होती है ठीक है उसी से क्या होता है इसको प्रिंट किया जाता है चलो पाउडर के फॉर्म में क्यों होती है अच्छा बताना एक बार मुझे देखो मैं आप कैसे लगाती हूँ इन चीजों को कैसे निकालोगी तो देखो पाउडर देखो लेजर प्रिंटर महंगा आता है इसका डिसएडवांटेज है कि ये ले सकते हो आप और लेजर प्रिंटर में अगर थोड़ा सा भी एक भी कार्टेज खराब हो जाए ना तो पूरा गया समझो फिर ठीक करवाना पड़ता है मैं बताती हूँ लेजर प्रिंटर के अंदर सूखी इंक क्यों होती है बताएगा कोई यहाँ पे हां जी ओके लेजर प्रिंटर के अंदर सूखी इंक का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लिक्विड इंक का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर के अंदर क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं किया जाता हम सूखी इंक का इस्तेमाल क्यों करते हैं अगर लेजर प्रिंटर की मैं बात कर रही हूं तो यहां पे आया है भाई आ, वालों के पास कौन सा ओके तो यहां पे देखो हां जी यहां पे अगर हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर में सूखी इंक क्यों होती है एक मिनट लेजर प्रिंटर में सूखी इंक इसलिए होती है देखो ये प्रिंटर है प्रिंट कर रहा है देखो यहाँ पे बिल्कुल हम क्या समझेंगे इसको एकदम बेसिक uh, से प्रिंट होता है तो प्रिंट किससे हो रहा है लाइट से हो रहा है रोशनी से हो रहा है रोशनी हो कैसी होती है गरम गरम भाई जब प्रिंटर निकलता है तो प्रिंट प्रिंट उसका गरम गरम होता है ना तो 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 वहां पे क्या होगा प्रिंट आपका गरम होगा आपका तो जैसे जैसे ही पड़ेगी, जैसे ही रोशनी रोशनी पड़ेगी पड़ेगी तो जो सूखी इंक है उसको एकदम से चिपका देती है कागज पे तो वो कागज पे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है अगर लिक्विड होगा तो वो गर्म से और लिक्विड तरल बन जाएगा पहले से ही लिक्विड है और तरल रूप में आ जाएगा तो सूखी इंक इसलिए होती है पहली बात कि वो बहुत देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरी बात कि लाइट के संपर्क में आके गर्मी के संपर्क में आके कागज से पूरी तरीके से चिपक जाती है चलिए आगे चलें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसके बारे में मैंने ज्यादा बताया है क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे उसके बारे में ज्यादा पता होना जरूरी है चलिए आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं तो लेजर प्रिंटर हो चुका फिर आप देखोगे थर्मल प्रिंटर तो यहाँ पे आपको एक प्रिंटर दिख रहा है ये है थर्मल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है हाँ जी देखो थर्मल प्रिंटर देखो लेज़र प्रिंटर के अंदर ना हाँ जी लेजर प्रिंटर के अंदर बहुत सारे इन सब के अंदर बहुत सारे वेरियंट है अगर आप देखोगे पोर्टेबल प्रिंटर भी होता है भाई एक जगह आराम से दूसरी जगह ले जाओ तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं बस हम यहाँ पर जो मेन है उनको देखेंगे तो यहाँ पर देखो थर्मल प्रिंटर होता है ये कहा इस्तेमाल होता है थर्मल प्रिंटर का थर्मल का मतलब क्या होता है थर्मल पावर आपने सुना होगा कई बार ये थर्मल जो शब्द होता है टेम्परेचर से मिलकर बनाए मतलब तापमान तापमान ये तापमान को लेता है टेम्परेचर को लेता है उसी से प्रिंट करने का काम करता है थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल कहां होते हैं तो पहली बात थर्मल प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं वो नॉर्मल पेपर पे प्रिंट नहीं करेंगे आपकी जो एर शीट है ना उस पे कभी भी प्रिंट होकर नहीं आ सकता थर्मल प्रिंटर की मदद से थर्मल प्रिंटर एक अलग ही तरीके का कागज का इस्तेमाल करते हैं और जिस कागज का ओके जिस कागज का ये इस्तेमाल करते हैं वो कागज होता है वैक्स कोटेड वो कागज कैसा होता है वो कागज होता है वैक्स कोटेड मतलब मोम का वाला कागज ठीक है मोम वाला कागज इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पे अगर पूछा जाए कौन सा प्रिंटर स्पेशल टाइप का वैक्स कोटेड पेपर को इस्तेमाल करता है तो वैक्स वाले पेपर को या मोम वाले पेपर को इस्तेमाल करने वाला थर्मल प्रिंटर होता है इस्तेमाल कहां पे होगा बिल्कुल बेसिक समझेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल से आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर जब बिल बिलिंग आती है तो वो जो बिलिंग की स्लिप आती है वो थोड़ी चिकनी सी लगती है आप छूओगे ना तो बहुत उसका पेपर सॉफ्ट सा होता है है ना अगर शॉपिंग करने के लिए स्टोर पे जाते हो वहां पे ये काम होता है अगर मैं बात करती हूँ जो बस कंडक्टर होते हैं खैर वहां पे तो वो नॉर्मली सूखे पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो भी एक तरीके की थर्मल प्रिंटिंग ही होती है इस प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है तो थर्मल प्रिंटिंग जो होती है टेम्परेचर के आधार पर जो ये प्रिंट करती है तो जैसे ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम अच्छा एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है तो ये होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ठीक है इसमें गलत मत करना पूछा जाता है कई बार टेलर की वजह से पूछा जाता है यहां पे ए दे देता है स्पेलिंग में लेकिन ये टी ई डबल एल ई आर होती है एटीएम के अंदर आप लोग जाते हो तो आप लोग भाई जो भी कर रहे हो ए के अंदर पैसे निकाल रहे हो या ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो तो उसकी स्लिप आती है ना स्लिप आती है तो जो वो स्लिप आती है वो भी थर्मल प्रिंटिंग की वजह से आ रही है और चाहे आप शॉपिंग मॉल की बात करो चाहे एटीएम की बात करो चाहे बस की टिकट की बात करो इसके अंदर जो प्रिंट हुआ होता है वो बहुत टाइम तक नहीं चलता कुछ टाइम तक जाकर वो धुंधला पड़ जाता है या खत्म ही हो जाता है गायब ही हो जाता है देखा है ना वो आपने तो ये पूरी की पूरी खासियत इसका श्रेय जाता है थर्मल प्रिंटिंग को थर्मल प्रिंटिंग टेम्परेचर के बेस पे प्रिंट करती है चाहे शॉपिंग मॉल हो चाहे बस कंडक्टर वाला हो या फिर आपका ए हो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होते हैं एक स्पेशल तरीके का कागज का इस्तेमाल करते हैं और वो कागज मोम में लिपटा हुआ होता है मतलब उसके ऊपर की कोटिंग होती है क्लियर ओके आया समझ में चलिए तो यहां पे क्या होता है यहां पे बिल्कुल सही है थर्मो आ, बिल्कुल थर्मोक्रोमिक पेपर होता है बोल सकते हो यहां पे ठीक है थर्मोक्रोमिक पेपर होता है या तो वैक्स कोटेड लिख देगा नहीं तो लिख देगा थर्मो दोनों एक ही बात है ठीक है थर्मो क्रोमिक पेपर थर्मोक्रोमिक पेपर तो ये जो कागज होता है ये थर्मोक्रोमिक कागज होता है जिस पे मोम लिपटा होता है या इसके ऊपर मोम की कोटिंग होती है वैक्स कोटेड पेपर होता है क्लियर ये कौन सा हो जाएगा आपका थर्मल प्रिंटिंग हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं इसमें हाँ जी आगे देखेंगे इसमें तो इसमें क्या होता है भाई आपका टेम्परेचर के ऊपर बेस होता है ये भी याद रखना इसके बाद नेक्स्ट होगा बिल्कुल बिल निकालने में यही इस्तेमाल होता है आपका तो थर्मल प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रिंटर की बात करती हूं तो नेक्स्ट प्रिंटर आता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंटर ठीक है इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर आता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंटर अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंटर क्या करेगा चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या करेगा देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बताया था वैसे साइंस का कॉन्सेप्ट है तो मैंने एक बार आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम कैसे करता है जो आप बात करते हो ना कॉल पे भाई हम तो घर पे हैं मम्मी पापा बाजार गए हैं तो हमारी बातें मम्मी पापा तक तो कैसे पहुंच रही है भाई कैसे तार तो है ही नहीं पहले तार होते थे भाई रिसीवर है तो आप सोच सकते थे चलो तार से जा रहा है अब तो तार है नहीं सबके पास फोन है तो कैसे एक दूसरे से हम बात कर पाते हैं आवाज हमारी कैसे पहुंच पाती है तो इन सब के पीछे जो राज है वो साइंस का है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसी से बनाए आपका इलेक्ट्रो प्रिंटर अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो प्रिंटर की तो इसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रो प्रिंटर के अंदर क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर बहुत ही तेज काम करते हैं अभी बताऊंगी इसका काम कैसे होता है बस याद रखना यहां पर ये क्या काम करते हैं तो ये आपका आ, इनकी जो क्षमता होती है बिल्कुल इनकी जो क्षमता होती है वो इतनी फास्ट होती है कि ये 250, ढाई सौ पेज को प्रति मिनट छाप सकते हैं ये 250 पेज एक मिनट में छाप सकते हैं इतनी फटाफट -फड़ काम करते हैं अब सोचो कितना तेज काम करते होंगे तो 250 पेज को प्रति मिनट छापने की क्षमता होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर के अंदर कैसे काम करते हैं एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है मैग्नेटिक फील्ड चुंबक आपने कभी टेंथ में और ट्वेल्थ में अगर किया होगा हम क्या करते थे थे प्रैक्टिकल होता था तो पे क्या करते तो जो बैटरी होती है बैटरी इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करते हैं उन्हीं से तो करंट बहता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर मैं बैटरी के दो छोर से एक कॉपर की तार ले जाऊं और उसका एक कॉयल बना लू और उसके बीच में मैग्नेट रख दू चुंबक रख दू क्या रख दू चुंबक रख दू अब वो जो चुंबक है जैसे ही उस पर जाएगा कॉपर की तार पे जिस पे पहले से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कॉल आपका घूमना शुरू कर देता है बहुत तेज तेज घूमता है यही इलेक्ट्रो फील्ड होता है वही आपका बेस है इस इलेक्ट्रो प्रिंटर के ऊपर ठीक है तो ये प्रिंटर भी क्या होता है इसके अंदर भी चुंबक का मैग्नेट का और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन का दोनों को मिलाकर इसमें प्रिंट करवाया जाता है तो जब एक तरफ करंट बह रहा है भाई कॉपर की तार लगी करंट बह रहा है एक तरफ नीचे चुंबक रख दिया है दोनों रिएक्शन करेंगे फटाफट प्रिंट करना शुरू कर देंगे तो ढाई पेज एक मिनट में बहुत बड़ी बात होती है ठीक है चलो आगे देखें यहां पे ओके आगे देखते हैं यहां पे तो यहां पे कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंट होता है ठीक है चलो आगे देखेंगे यहाँ पे किसके लिए होता है अच्छा ये किसके लिए यूज होता है तो इसमें फोटो आप जो फोटो करते हो या फोटो या ऑब्जेक्ट हाँ जी फोटो या ऑब्जेक्ट जो बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बड़ी बड़ी भवन के तो इनकी फोटो या बिल्डिंग का पूरा एक जो नक्शा बनाया जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो वहां पे इस्तेमाल होंगे बस याद रखना इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों को ही मिलकर यहां पर काम होता है इसके इसलिए इसकी कार्य क्षमता भी बहुत तेज होती है उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर तो यहाँ पे ये जो प्रिंटर दिखाई दे रहा है इसी का नाम होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिंटर क्या नाम है तो का प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड की एक कवर होता है प्रिंटर होता है जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा प्रिंटर होता है तो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किसके अंदर होता है जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक uh, प्रिंटर के अंदर ये इस्तेमाल किसके लिए किए जाते हैं तो जो न्यूज पेपर छपते हैं हम अपने घर में रोज न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना अब तो खैर वो भी टाइम चला गया भाई न्यूज पेपर कौन पढ़ता है अब तो हम सारी न्यूज हम कहा देख लेते हैं टीवी पे नहीं तो फोन है इंटरनेट ही सब कुछ बन गया है ठीक है वैसे न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए अच्छी आदत होती है तो न्यूज पेपर की अगर मैं बात करती हूँ जो न्यूज पेपर छपकर आपके घर आते हैं वो इलेक्ट्रो प्रिंटर के द्वारा ही बनता है इसके अंदर क्या होता है जिंक ऑक्साइड होता है जिसकी मदद से जो भी अक्षर है जो भी चित्र है वो सब आपके पेज पर छपे होते हैं एक ही टाइम पे पिक्चर को भी और कैरेक्टर को 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 भी, हर एक चीज़ को छापना, हर एक एक चीज चीज छापना, अच्छे से अरेंज करना सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्या नाम हो जाएगा इसका हाँ, बिल्कुल इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्लियर इसके बारे में अगर मैं बात करती हूं ओके okay. इसके बारे में अगर बात की जाए तो जैसे आपकी मैगजीन हो गई जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गए न्यूज़पेपर मैंने लिख दिया एक दो एग्जांपल और लिख लीजिएगा जैसे मैगजीन हो गई ठीक है मैगजीन है न्यूज़पेपर है इसके बाद आप लिखोगे हमारे पास अगर मैप है कोई नक्शा छापना है बड़े बड़े नक्शे होते हैं ना भाई जिनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े नक्शे होते हैं या फिर अगर मैं नक्शे की बात करती हूँ तो जैसे पार्लियामेंट है जहाँ पे पार्लियामेंट है उसका एक पूरा नक्शा है कि भाई कहाँ कैंटीन है कहाँ पे लोग बैठ के मीटिंग करते हैं है, कहां पे ग्राउंड है तो ये जो नक्शे वगैरह के लिए जो बहुत बड़े बड़े नक्शे वगैरह होते हैं या फिर न्यूज होता है इन सब की प्रिंटिंग आपकी कहां होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के अंदर ही इनकी प्रिंटिंग की जाती है क्लियर चलो आया समझ में ओके okay, अभी कौन से ज्यादा प्रिंटर यूज होते हैं तो अभी आपके प्रिंटर यूज होते हैं इंक जैट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इंक जेट और लेजर ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और अभी इस्तेमाल होते हैं न्यूज़पेपर के लिए तो हमेशा यही होगा ठीक है इसके बाद आता है आपका कौन सा प्रोजेक्टर भाई बहुत सारी चीजें थी अभी बट चलो कोई बात नहीं आज का जो हमारा टॉपिक था प्रिंटर कम से कम हमने वो तो कंप्लीट कर लिया ठीक है चीजों को आराम से पढ़ो पर बहुत अच्छे से पढ़ो वो ज्यादा इफेक्टफुल होता है ठीक है ओके okay. तो यहाँ पे हाँ प्लॉटर भी होता है बिल्कुल दिलीप जी सारी चीजें हैं प्लॉटर है प्रिंटर है प्रोजेक्टर है उसके बाद स्पीकर है हेडफोन है तो इनको हम कल के कल पढ़ते हैं ठीक है बस इतना याद रखना प्रोजेक्टर भी आपका क्या होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है चलो तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा होमवर्क है आप लोगों का कि प्रोजेक्टर का इन्वेंट करने वाले कौन से व्यक्ति थे प्रोजेक्टर का आविष्कार करने वाले कौन से व्यक्ति थे किसने इन्वेंट किया था प्रोजेक्टर को जो प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है पहले इस्तेमाल होता था ना गाँव में कहा फोन

अभी तो खैर बैन हो चुका है सारी चीजें ड्यू टू कोरोना लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहां से भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है कभी आप देखना मूवी देख रहे हो ना एवं पीछे देखना वहां ऊपर से ना प्रोजेक्टर से लाइट फेंकी जाती है और आपकी जो स्क्रीन होती है उस पर लाइट जाती है और वहां पर फिर वो चित्र चलनी शुरू हो जाती हैं ठीक है चलिए इसके बारे में सारी चीजें हम आगे देखेंगे आप एस का पेड कोर्स चाहिए मैम ओके सोनू कुमार जी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा अभी देखो नीचे पट्टी लगी हुई है बाकी इसके बाद एक स्क्रीन लगेगी पोस्टर लगेगा वहां पे हमारा एग्जामपुर का कांटेक्ट नंबर है वैसे अभी आपको भी कर देंगे ठीक है देखो नीचे यहाँ पे आपको दिख रही है पट्टी तो नीचे इस पट्टी पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर uh, हमारा आप यहाँ पे कॉल करना आपको एस का पेड कोर्स मिल जाएगा बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊ तो हमारा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है भाई देर नहीं करनी आपने अगर फॉर्म भरा है आप अगर करना चाहते हो तैयारी तो पूरा फोकस देकर उस कोर्स को आप लें और बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और देखो अगर आप सोचते हो ना कि भाई अभी नहीं पढ़ते और फिर जब दो तीन महीने रह जाते हैं फिर आप पेड कोर्स लेते हो उससे क्या होता है

पीडीएफ नहीं मिल रही तो वहाँ पे तो नोट बनाना पड़ेगा ना देखो कॉन्सेप्ट आपको फ्री में मिल रहा है तो नोट्स बनाते हो बाकी आपको ऐप पे पीडीएफ मिलती है टाइम टू टाइम डाउट सेशन होते हैं ठीक है चलो तो यहाँ पे कोर्स की रही बात और याद रखना सरप्राइज है आप लोगों के लिए रक्षाबंधन वाले दिन तो रक्षाबंधन वाले दिन मतलब 3 अगस्त को सोमवार को सुबह 9:00 बजे आप लोगों के लिए आ रहा है सरप्राइज तो वो चीज आप देखोगे सरप्राइज है बता नहीं सकती तो क्लास को करते हैं मैं याद रखना अपना कमेंट यहां पर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना होमवर्क में क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना मिलते हैं कल अपने टाइम पर एक बजे बहुत अच्छे और कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत सर साथियों क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर